हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे एफडीसी लिमिटेड के बारे में। तो इस शेयर में आगे क्या करना चाहिए जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डे पे एनएससी पे ये शेयर आपका ओपन हुआ था 281.80 पे एंड लो गया था 281.80। मतलब अभी तक इसका जो लो है और इसका ओपनिंग प्राइस सेम है, और आज का डे पे अभी तक का इसका हाई है 288, और अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो आपका चल रहा है 285.70 पे। एंड आज के डे पे अभी तक ये शेयर आपका 1.62% आपका ज्यादा है पिछले दिन से। ओके, फिनस्टार ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है अभी आपका ₹4,827.97 करोड़। एंटरप्राइज वैल्यू है ₹4,808.35 करोड़ एंड पीई रेशियो है 19.53। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹7.24 करोड़ का, तो इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो बिल्कुल जीरो, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। एंड कंपनी के पास अभी आपका कैश है ₹26.86 करोड़। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कंपनी के पास इतना सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 7.24 करोड़ का डेप्ट है इसको चुका सकता है। इस शेयर का ईपीएस है ₹14.64, रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.04% एंड आरओसीई है 23.43%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 19.33% एंड सेल्स ग्रोथ आपका माइनस पे था -0.42%। ये जो कंपनी है एफडीसी, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 69.36%, पब्लिक का है 20.72%, डीआईआई का है 5.46% एंड एफआईआई का है 4.47%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 69.36% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार चार्ट पे, और वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया है। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका था 29 मार्च 2022 का दिन, यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था और उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए ये शेयर आपका लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 100 डेज मूविंग एवरेज के नजदीक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। RSI की बात करेंगे तो RSI भी अबव 60 है और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है क्लियरली। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन शो कर रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो देखिए, ये शेयर आपका कुछ दिनों से गिर रहा था, गिरते गिरते ये शेयर जब भी जो एक और आपका 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है इसके नजदीक आया, इसको तोड़ के नीचे सस्टेन कर नहीं पाया और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए पिछले वीक में यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था और इस वीक में भी देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फिर से फॉर्म हुआ है और इस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया, जो कि एक अच्छा बात है। ओके, एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी देखिए RSI, देखिए RSI आपका 40 का जो लेवल है उसको तोड़ के नीचे की तरफ आ गया था, लेकिन फिर से आपका RSI अपटेन हो चुका है। MACD भी देखिए 0 पॉइंट से नीचे भी आपका पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म करता है, मतलब पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म किया है और MACD का ये जो आपका ब्लैक कलर का लाइन है वो बहुत अच्छी तरीके से मूव चुका है। मतलब वीकली चार्ट में भी MACD आपका 0 पॉइंट से पूरा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। देखिए, ये शेयर आपका कुछ महीनों से गिर रहा था, गिरते गिरते जब ये शेयर 50 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके नजदीक आया, इसको तोड़ नहीं पाया और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए इस महीने यहाँ पे हम लोगों को आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, जो कि एक अच्छा बात है। एंड मंथली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है।
RSI भी देखिए आपका अपटेन हो चुका है, MACD देखिए 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन 0 पॉइंट से नीचे भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी जिसका कारण मार्केट प्राइस है लगभग 284-285, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 2 से 3 महीने का भी है तो मुझे जो लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर ये शेयर आपका 320 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल और फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।